अच्छा बताओ मुझे, बताओ कैसे कर दिया, क्या है उसमें? सर उसमें सर एक ऊपर मशीन लगी है सर। थोड़ा और ऊपर करना, मुझे कैमरा में नहीं दिख रहा। अभी एक्सप्लेन करो इसको। सर इसमें एक ऊपर मशीन लगी है सर, उसको कचरे को लेती है और सर नीचे मोटर लगी है जो कार को चलाती है। ओके, लेकिन अगर हमको वो जो ऑसिलेटिंग मोशन चाहिए था, जो नीचे स्वीपिंग एक्शन, सर अगर हमको एक स्वीपिंग एक्शन करने के लिए, एक मानो वो उस गाड़ी के सामने हमने कुछ जैसे क्लीन करने के लिए कुछ तो कैसे लगाओगे? बताओ कैसे करोगे? वही पे अपना कोर रोबोटिक्स का काम आएगा, क्योंकि रोबोटिक्स तो होते ही है, लेकिन सेंसर्स के अलावा और भी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। तो मानो कि हमको स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक गाड़ी बनानी है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए क्या बनानी है? एक गाड़ी। गाड़ी तो वो गाड़ी क्या करती है? ऑटोमेटिकली झाड़ू लगाती है अपने आप। तो उसको कैसे बनाओगे? डिजाइन मैकेनिज्म का डिजाइन कोई भी नहीं कर सकता, आर्डिनो करना बहुत इजी है। अभी मैं ये टास्क दिया है मैंने आपको, देखो ये टास्क है कि एक गाड़ी है जो अपने आप झाड़ू लगाई पूरे रोड पे, स्वच्छ भारत अभियान के में ये प्रोजेक्ट करना है। और अगर अगर मानो किसी ने आपको बोला कि ये प्रोजेक्ट अगर आपने कर दिया तो आपसे हम ये गाड़ी खरीदेंगे पूरे भारत में लगा देंगे, तो सोचो आपकी कमाई कितनी होगी उसके। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। बताओ समझ में आ गया भविष्य? सर सवाल समझ में आ गया? सर सवाल मेरा, सवाल क्या है मेरा सर? आपका सवाल ये है कि अपन को ऑटोमेटिक जैसे अपन झाड़ू लगाना है तो कैसे लगाएंगे? हाँ लेकिन अगली पीढ़ी है ना, वो दमदार निकल गया है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? क्या है वो समझाओ जरा। अरे सर इधर पे सेल है सर। ओके इधर पे मोटर है और सर ये स्ट्रिप है। ये सर ये भी नीचे स्ट्रिप ही है, ऊपर ये मोटर है और ये पंखी है। पंखा लगाओगे वहां पे? पंखा क्यों लगाओगे? चलो देख लेते, मुझे और एक हिंट देना ही पड़ेगा अभी। भविष्य तुम सोच ही नहीं रहे हो, सोचोगे नहीं तो कैसे होगा? ये तो हुआ पर सर कचरा कैसे ले? हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक झाड़ू लगाने वाला मैकेनिज्म चाहिए। यस सर। तो कैसे करेगा?
ऑसिलेटिंग मोशन करना था। यस सर। ऑसिलेटिंग मोशन करना है अपने को, समझ गए क्या? यस सर। अभी इसमें इसमें आर्डिनो लगाना है तो आर्डिनो लगाओ कि मतलब ये चलता ही रहेगा। जैसे ही आर्डिनो, जैसे कचरा डिटेक्ट किया वैसे ही, कचरा डिटेक्ट करते ही वो चालू हो जाएगा झाड़ू लगाना। ये कर सकते हैं। अभी आपका, अभी आपका रोबोटिक्स का मटेरियल अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है? मटेरियल पहुंच जाएगा तो इसके ऊपर कोई सेंसर लगा के जैसे ही कचरा दिखे वैसे उसको झाड़ देगा। कर सकते हो ऐसा? यस सर। क्या लॉजिक लगेगा? रोहित तुम सब यस सर बोलते हो, आगे कुछ नहीं बोलते। प्रोग्रामिंग सर, ऑडियो में सर प्रोग्रामिंग देना पड़ेगा। कैसे दोगे, क्या प्रोग्रामिंग दोगे? मानो कि अभी मैंने इस पे आर्डिनो लगा दिया, सेंसर लगा दिया, जब कचरा आता है तो वो चालू हो जाता है साफ करना, तो क्या प्रोग्रामिंग होगी सर? उसको सर बताना पड़ता है कि ये इसको, इसके सामने कचरा आएगा, इसको कचरा दिखेगा तो इसको चालू होना है और कचरे को उठना। क्या होगी प्रोग्रामिंग बताओ जरा, कैसे करोगे उसको? अब आपने इतना आर्डिनो सीखा है तो मुझे आप हेल्प करोगी। अपन को प्रोग्रामिंग में डालना पड़ेगा कि ये कचरा है, ये कचरा को सामने आएगा या फिर कुछ आएगा तो उसको झाड़ना। हाँ बट उसका मतलब क्या क्या, हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे? सर्वो मोटर। सर्वो मोटर क्यों सर? इधर है सर झाड़ू के तो उधर करने के लिए। तो फिर हम ये मैकेनिज्म क्यों बना रहे हैं? मैकेनिज्म की क्या जरूरत है फिर भविष्य? यस सर। मान लो कि हमारे पास सिर्फ मोटर है, सर्वो मोटर, yes, तो कैसे करोगे? yes, मान लो सर्वो मोटर नहीं है, सर्वो मोटर क्या करती है? सर्वो अपन को जितना उसको घुमाना है सर्वो उतना ही घुमाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास वो मोटर नहीं, ये मोटर है जो 360 घूमती रहती है फुल स्पीड, तो उसका मोशन कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है। यस सर। बना पाओगे ऐसा कुछ? ये सेम मत बनाओ, ये सेम बनाने की जरूरत नहीं। सेम नहीं बना रहे सर, सेम नहीं बनाएंगे। तुम्हारा डिजाइन लगाना और ऐसा करना कि जब वो चलता रहेगा और उसको जब जब आप सिग्नल दोगे, सिग्नल या फिर ऑन करते रखो, तो उसके नीचे हम इसके नीचे कोई एक स्पॉन्ज लगा सकते हैं या कुछ ऐसे ब्रिसल लगा सकते हैं जो उसको ऐसे ऐसे साफ करते जाएंगे। जैसे जैसे चलते रहेगा अपने आगे का रास्ता साफ करते जाएगा। ओके, ऐसा बना सकते हो तो मुझे बना के दिखाओगे अगली क्लास में? तब तक मैं मटेरियल भी भेज दूंगा, तो उस मटेरियल को लेके आप आर्डिनो का प्रोग्रामिंग भी कर पाओगे। ओके सर। ठीक है, हम सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन बढ़िया सीखेंगे। ओके सर। ये मैकेनिज्म सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सिर्फ आर्डिनो सीखना है तो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का अलग कोर्स है जहाँ पे सिर्फ बैठ के हम कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते हैं आर्डिनो की। ओके सर। तो क्या करना चाहोगे, रोबोटिक्स या प्रोग्रामिंग? सर दोनों। प्रोग्रामिंग तो है, यहाँ तो हम दोनों कर रहे हैं, रोबोटिक्स हम दोनों कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग में सिर्फ प्रोग्रामिंग हो रही है, कोई मैकेनिज्म नहीं होता। वहां पे ये सवाल आएंगे भी नहीं कि अगर हमको ऐसे मूव करना है वैसे मूव करना है, वहां कोई सवाल नहीं आएगा। Thank you for watching this video. If you enjoyed watching this video, then don't forget to like, comment and share the video. Subscribe to Real School and hit the bell icon to get the latest updates. Check out the link in the description box to book a free demo workshop or bootcamp for your child.